नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है पानीपत से, जहां पर जानकारी मिली कि हरियाणा में बीच सड़क पर रिक्शा वाले पर अचानक बताया जा रहा है कि यहां एक सवारी ने फायर करना शुरू किया। ये मामला है हरियाणा के पानीपत शहर का। मंगलवार सुबह एक बड़ी वारदात ही सामने आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची। वारदात के बाद मौके पर भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और इसी बीच पुलिस को सपोर्ट किया। सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रिक्शा चालक और आरोपी दोनों को ही सिविल सीएससी में दाखिल कराया गया। प्राथमिक उपचार जारी है। जानकारी मिली कि रिक्शा वाले की पहचान दीनानाथ कॉलोनी निवासी विनोद के रूप में हुई है। वहीं आरोपी युवक उग्राखेड़ी गांव का रहने वाला निकास उर्फ मलिक मूसा है, जहां घटना की विधो वीडियो सामने आई है। जानकारी मिली कि सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहां पर बताया जा रहा है कि रिक्शा वाले से आरोपी ने उग्राखेड़ी जाने की बात कही थी, लेकिन दूरी ज्यादा होने के चलते रिक्शे वाले ने मना कर दिया और आरोपी ने क्या एक इस घटना को अंजाम दिया, फायर कर फरार होने की फिराक में था। लेकिन यहां पर गुस्साए भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर विवाद किया। पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया।